हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और मेरे बच्चों को खाना था चिकन, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पैन रोस्टेड चिकन। यह बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है और बहुत ही कम तेल में बन करके तैयार होती है। तो चलिए आज की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 800 ग्राम चिकन लिया हुआ है और चिकन में हम ऐसे कट लगा लेंगे ताकि मसाले अंदर तक चले जाएँ। चिकन को मैंने पहले से ही कट करके वॉश कर लिया था। अब हम इस चिकन में डालेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट, 2 टीस्पून सॉल्ट और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। नींबू डालने से चिकन थोड़ा टेंडर हो जाता है एंड मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर मैरिनेशन हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या अधिक कर सकते हैं। अगर आपको रेस्ट्रॉ जैसा रेड कलर चाहिए तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर एंड 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून चिकन मसाला पाउडर, मैंने यहाँ पर एवरेस्ट का चिकन मसाला यूज किया है। 1 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून योगर्ट यूज करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या अधिक कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे हाफ एन आवर के लिए ढक करके रख दूंगी मैरिनेशन के लिए। आप चाहे तो 3 to 4 आवर्स के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि चिकन जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा चिकन उतना ही सॉफ्ट बनेगा। मैंने यहाँ पर चिकन को हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था एंड हाफ एन आवर के बाद चिकन हमारा ऐसा मैरिनेट होकर के तैयार हो गया है। अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकती हैं या ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। अब मैं इस तरीके से चिकन के पीसेस पैन में डालती जाऊँगी। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और 3 मिनट्स के लिए पकाएंगे। 3 मिनट्स के बाद हम चिकन को ऐसे पलट लेंगे अच्छे से। जैसे जैसे चिकन पकेगा उससे पानी रिलीज होगा, बाद में वही पानी ड्राई होके चिकन के ऊपर अच्छी सी लेयर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट और पकाया, वापस पलट दिया। ऐसे पलट पलट कर टोटल 15 से 17 मिनट तक पकाएंगे। उसमें ये चिकन आराम से पक जाता है। इसके बाद भी अगर आपका चिकन नहीं पका है तो आप थोड़ी देर और पकाएं। सो देखिए, हर 2 मिनट बाद मैं पैन का ढक्कन हटाकर चिकन को पलट दे रही हूँ। देखिए, चिकन के ऊपर रेड कलर की लेयर दिखने लगी है। दही जो है चिकन के साथ मिलकर मॉइस्चर रिलीज करती है, बाद में वो ड्राई होकर के वही चिकन के ऊपर कोटिंग लेके आती है। सो ये देखिए, एकदम बारबेक्यू वाली चिकन लग रही है ना। अब ये हमारा चिकन दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। गैस ऑफ करने के पहले आप इसे चेक कर लें, अगर ये नहीं पका है तो थोड़ी देर और पकाएंगे। तो देखिए, हमारा ये चिकन आसानी से पक गया है। अब हम इसको एक प्लेट में किचन टॉवल पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बोन वाले पीसेस भी पैन में डाल करके पका लेंगे।
यहाँ पर देखिए हमारा बोन वाला भी चिकन बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। सो अब हमारा चिकन बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आपने देखा ना कितना कम तेल में बनकर तैयार हुआ हमारा रोस्टेड चिकन। आप भी अपनी फैमिली को ये चिकन बनाकर ज़रूर खिलाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा नींबू और धनिया से गार्निश कर लेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Bye-bye.